अंदोलन नू, इस मुहिम नू, इस मोर्चे नू झूठे फरेबी बेबुनियाद इल्जाम ला ला के बदनाम किया जा रहा है। कल साडे माननीय प्रधानमंत्री जी जिहड़े अपने आप नू प्रधान सेवक कहिंदे ने, प्रधान सेवक कहिंदे ने अपने आप नू, उन्होंने बयान दिता है बई ये जिहड़ा मुहिम चल रही है इत्थे, जिहड़ा अंदोलन चल रहा है जिथे हजारां ट्रालियां लगियां होईयां ने ते लखां दी तादाद च संगत इत्थे बैठी है, ये सब ओपोजिशन मिसगाइड कर रही है बई। विपक्षी पार्टियां इस अंदोलन नू गाइड कर रही ने। मैं थोनू पुछदी हां जी, सारे जिहड़े इत्थे हुण वीर बाबे बीबियां माता भैणां बैठियां ने, जे ओपोजिशन पार्टियां च इन्ना दम हुंदा ओह सरकार ना बना लैंदियां। तमाम किसान जथेबंदियां दा मैं धन्नवाद करदी हां कि अज असी इस मुकाम ते पहुंचे हां कि 21वें दिन यह मोर्चा कायम है। मैं बॉम्बे च काम करदी हां ते किसानी परिवार तो हाँ, मेरा पिंड महादियां जिला फतेहगढ़ साहब। मैं काफी दिनों की यह मोर्चा, यह मुहिम, यह अंदोलन नू टीवी ते देख रही सी ते अज मैं इत्थे पहुंची हाँ। मैनू स्टेज ते इन्होंने टाइम बख्शिश किया, मैं काफ़ी दिनों की इत्थे अंदोलन ते आ रही हाँ ते मैनू जिहड़ी चीज़ खिच के लैके आई है इत्थे ओह ये है कि इस अंदोलन नू, इस मुहिम नू, इस मोर्चे नू झूठे फरेबी बेबुनियाद इल्जाम ला ला के बदनाम किया जा रहा है। मेरे फादर साहब ने 40 साल फौज नौकरी की आ, मेरे ताए जी ने 35 साल फौज नौकरी की है, मेरे दादा जी ने फौज नौकरी की है, पर हैगे असी किसान ते तुसी सानू बेबुनियाद इल्जाम ला ला के बदनाम कर दे, साडी इस मुहिम नू बदनाम कर दे। कल साडे माननीय प्रधानमंत्री जी जिहड़े अपने आप नू प्रधान सेवक कहिंदे ने, प्रधान सेवक कहिंदे ने अपने आप नू, उन्होंने बयान दिता है बई ये जिहड़ा मुहिम चल रही है इत्थे, जिहड़ा अंदोलन चल रहा है जिथे हजारां ट्रालियां लगियां होईयां ने ते लखां दी तादाद च संगत इत्थे बैठी है, ये सब ओपोजिशन मिसगाइड कर रही है बई। विपक्षी पार्टियां इस अंदोलन नू गाइड कर रही ने। मैं थोनू पुछदी हां जी, सारे जिहड़े इत्थे हुण वीर बाबे बीबियां माता भैणां बैठियां ने, जे ओपोजिशन पार्टियां च इन्ना दम हुंदा ओह सरकार ना बना लैंदियां, जे इन्ना दम हुंदा उन्हां च ओह चोण ना जित लैंदियां। असी अज इत्थे क्यों बैठे हाँ? असी अज इत्थे इसलिए बैठे हाँ क्योंकि साडी जिहड़ी मांगां ने ओह उन्हां नू सरकार तक पहुंचाणियां चाहीदियां सीगियां। बशक सरकार ने यह कानून बिना किसी चर्चा दे पार्लियामेंट च पास किते होण, विपक्ष दी पार्टियां नू संगल पाए होए सी कि वह धरने नहीं कर सकदियां सीगियां। अज एक किसान सड़क ते बैठा है जिन्हां नू दिल्ली च जाण दी इजाजत नहीं दित्ती गई क्योंकि जिहड़े लोकां ते इल्जाम लाए जा रहे ने कि बई इन्हां दी ये साजिश है, उन्हां च इन्ना दम नहीं सीगा कि वह धरने ला सकन। ते एक गल मैं होर दसदा, जिहड़े ये लोग साडे इस अंदोलन नू, साडी इस मुहिम नू बेबुनियाद ते झूठे फरेबी इल्जाम लाउंदे ने, चाहे वह बॉलीवुड की दो बीबियां होण, चाहे बथेरे आई टी सैल ते बैठे सोशल मीडिया के जिहड़े अपने आप नू समझदे जरनैल, इन्हां सारियां नू सरकार की हमायत है, सारियां नू सरकार की हमायत है। नहीं तो मजाल है कोई किसी किसी नू इहो जिहे इल्जाम ला सके कि जिहड़े लोग इत्थे बैठ के जिन्हां दे खून पसीने तो इस देश दियां कंधां खड़ियां होईयां ने, जिते छत पा के तुसीं रात नू चैन की नींद सौने हो, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ
कि मैं प्रधानमंत्री जी नूं निवेदन कर दी हां, गुजारिश कर दी हां कि तुसी प्रधान सेवक हो, तुसी इत्थे आओ, तुसी गलबात करो। जे थोनू लगता है कि यह कानून इन्ने चंगे ने तो जितो, आके गलबात करके जितो, समझाओ साढ़े नाल आके। उत्थों तुसी एक पासे कहने हो कि यह विपक्ष की राजनीति है, दूजे पासे थोड़े केंद्र सरकार के मंत्री इल्जाम लाने हैं साड़ी मुहिम से। एक फैसला कर लो, एक इल्जाम चुन लो, तुसी की इल्जाम लाना चाहते हो। यह बहुत विराग का महीना है ते मैं एक, मैनू एक लाइन याद आती है, एक फिल्म च कही सी, बहुत वधिया हिट हुई सी पिक्चर, उस च एक लाइन सी जी, सरसा हर किसी की जिंदगी च आती है ते तरनी कदे भी सौखी नहीं, इहो जिहे मौकियां ते फैसले सिंघां नूं ही करने पैंदे ने। बस असीं इत्थे तक पहुंच गए हां ते असीं हुण पिछे नहीं हटना। बस यही कह के मैं इजाजत लवांगी ते जांदे जांदे मैं इन्ना जरूर कहना चाहांगी कि गल बहुत अगे तक वध गई है, मेरे तो बहुत ज्यादा उम्र च वड्डे लोगों ने भी यह गल कही है। असीं यह मुहिम नूं सांभ के रखना है ते किसे ने हथ इस नूं बदनामी तो बचाना है। कुछ भी हो जाए असीं यह मुहिम नूं सांभ के रखना है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। सत श्री अकाल जी। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।